जब पोटासियम को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हम लोगों को मालूम है K2SO4 इंटू An2SO4 का होल थ्राइज और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ये पदार्थ बचेगा। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का एक कंबाइंड सब्सटेंस बचेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये जो कंबाइंड सब्सटेंस है ये स्वेल हो जाता है, स्वेल यानी फूल जाता है और फूल कर इसकी जो सतह है उस पर छिद्र हो जाती है, छोटी छोटी छिद्र हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरस। एंड सब्सटेंस जो होता है पोरस हो जाता है, सरंध्र, सरंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्रयुक्त, यानी ये फूल कर इसकी सतह पे छोटे छोटे जो होते हैं छिद्र हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोरस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, पोरस सब्सटेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो ये पोरस सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न्ड एलम। पूछा जाता है कई बार कि जब, यानी हम लोग को बस याद करना है कि जब पोटास एलम है उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, जो बचा हुआ भाग है वो पोरस हो जाता है, छिद्रित हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न्ड एलम। हिंदी में से बोलते हैं दुग्ध एलम। कौन सा एलम, दुग्ध एलम या दुग्ध फिटकरी, या इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, जली हुई फिटकरी, फिटकरी। ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस को जैसे ही गर्म करेंगे पोटास एलम को, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचा हुआ भाग जो है बर्न्ड एलम कहलाएगा। हम लोग इसको देखिए, ये भी पूछा गया है। और इसका जो अगला पॉइंट है वो है यूज, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। यूजेज पहला है, बहुत ही आसान है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन वाटर यानी वाटर को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में पोटासियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा क्या करता है, रक्त स्कंदन में, स्कंदन, स्कंदन में कोगुलेशन में, यानी क्या करता है, जैसे चोट लग गई हम लोगों को तो जो ब्लड निकलता है उस पर पोटासियम रगड़ने से जो ब्लड है थक्का बन जाता है, यानी ब्लड को रोकने में इसका काम किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, मॉडरेंट, मॉडरेंट का मतलब हुआ रंग बंधक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रंग बंधक का मतलब हुआ जो कपड़े हैं उसकी रंगाई और छपाई में इसका प्रयोग किया करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने एलम्स पढ़े, सूडो एलम्स पढ़े, वर्न्ड एलम पढ़े, और एलम का जो नामिक्लेचर है, नामकरण है, कैसे होता है वो हम लोग पढ़े, इसका यूज पढ़े। कुल मिला के 6-8 पॉइंट हैं इसमें जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।